ओहो, कंपनी से इतनी बड़ी मिस्टेक। मेरी पहली ही सैलरी डिपॉजिट करने पे कंपनी ने मिस्टेक कर दिया, जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता ही लग गया होगा। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, डिटेल में आगे बताऊंगा आपको। और इस वीडियो में आपको ये भी पता लग जाएगा कि मेरी 1 month की सैलरी कितनी है। तो प्लीज जरूर देखना, क्योंकि जैसे कि क्रियोसिटी होती है ना दूसरों की सैलरी जानने में, तो आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा कि मेरी सैलरी कितनी है और मैं आपको बताऊंगा भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और कुछ भी ना करना ना तो एक लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए जापान से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यार, मैंने लास्ट मंथ के 13 तारीख से स्टार्ट किया था अपनी जॉब, और मेरी 10 तारीख को यानी कि अगस्त को सैलरी डिपॉजिट हुई मेरे अकाउंट में। तो मेरी सैलरी अकाउंट में जो इन्होंने डिपॉजिट की थी वो 75,000। तो जब मैं 2 दिन के बाद गया ऑफिस में, और ऑफिस ने भाई साहब ये एक लेटर यानी कि एक सैलरी स्लिप है और इसके साइड में एक अपोलोजाइज लेटर लिखा हुआ था, वो मिल नहीं रहा मुझे, नहीं तो मैं वो भी दिखा था, बैग में था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी सैलरी हमने गलत डाल दी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हमसे, और पूरी हॉनेस्टी के साथ भाई साहब उन्होंने माफी मांगी और ये फिर सैलरी मुझे दी। तो उन्होंने सैलरी जो डिपॉजिट की थी वो 75,000 थी, तो मुझे तो पता नहीं थी कि जितनी भी थी, हमें तो ये था कि उतनी ही बनती होगी तो उतनी ही डाली, बट जब उन्होंने ये लेटर दिया तब ये हुआ कि यार मतलब अभी और बनती है सैलरी। तो ये मेरी सैलरी में से जो नहीं डाली थी, जो मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे ये 10,876 येन है इसमें। तो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं कि कहीं इसमें भी तो मिस्टेक नहीं है। तो ये लेटर निकालते पहले, ये है सैलरी स्लिप, इसको निकाल देते हैं, फटाफट से खोल देते हैं, बहुत अच्छे से पैक है, टाइम भी लग जाता है, पैसे न फट जाए अच्छे से जल्दबाजी के चक्कर में। ये रहा भाई 10,000, और मैंने फाड़ ही दिया यार, ये देखो फाड़ ही दिया मैंने जल्दबाजी के चक्कर में। ये रहा 10,000 और ये रहे 500, और ये पूरे यार, तो गिनने की जरूरत नहीं, ये है पूरे। तो अब इसमें सैलरी अगर मैं बताऊं आपको, ये मेरी सैलरी स्लिप है, बड़ा बड़ा बता देता हूँ कि कितनी सैलरी है, क्या है रोल्स और कितना टैक्स कटता है। तो गाइज मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा ये सैलरी स्लिप बता देता हूँ। मैं सबसे पहले बता दूं आपको, ये जो मेरी सैलरी होगी ये सिर्फ 12 शिफ्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरी सिर्फ 12 शिफ्ट के पैसे जो सैलरी है ये वो है। तो अब सबसे ऊपर चलता हूँ, तो ये देखो जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है BS प्लस OT, यानी कि ये बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम है, तो मैंने ओवर टाइम लगाया नहीं तो उसका ऐड नहीं हुआ। तो जो मेरी बेसिक सैलरी 12 शिफ्ट के बनते हैं, तो ये देखो 1,909 येन बनते हैं, और इसमें ये प्लस होता है हाउसिंग HA जो लिखा मैंने, हाउसिंग अलाउंस का, ये जो कि हर जगह मिलता है, सभी जगह सेम ही होता है, मिलता ही है। तो ये 10,900 ये प्लस हुआ है, और ये देखो नेक्स्ट जो है ये LA और LE मैंने लिखा है, ये माइनस हुआ है। एक्चुअली जब आप टाइम से पहले जाते हैं तो ऐड होता है, और अगर आप लेट जाते हो तो डिटेक्ट होता है। ये लेट मेरा इसलिए कटा हुआ है, एक बार मैंने ब्रेक टाइम पे थोड़ा लेट गया था, मैं टाइम मुझे कुछ काम था, तो फिर ये आगे जाके देखो इससे टोटल सैलरी बनती है 1,14,181 ये बनती है। और इसमें ये जो ऊपर तो जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउमेंस होते हैं, तो वो देखो ये 2,724 ये इसमें प्लस हुआ है इसका, तो ये सैलरी बनती है, ठीक है। अब अगर नीचे जाते हैं तो ये नीचे सारा डिटक्शन वाला पार्ट है, जो कि आपकी सैलरी से जो टैक्स वगैरह सबको डिटक्ट होता है। तो मैं बता दूं आपको कि टैक्स तभी डिटक्ट होता है जब आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर जाती है, तभी टैक्स लगता है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का डिटक्सेशन है, ये जो कि कटता ही कटता है आपकी चाहे जितनी भी सैलरी हो। तो देखो HI जो है तो 9,699 ये मेरा डिटक्ट हुआ है। देन ये वेलफेयर पेंशन जो होती है, जो कि आपको जापान में कटती है फिर आप ले भी सकते हैं, 17,385 ये डिटक्ट हुआ है, प्लस ये 343 डिटक्ट हुआ है, इसको मैंने ट्रांसलेट नहीं किया। तो ये टोटल जो डिटक्शन मेरा होता है 27,424 बनता है, और जो मेरी फिर नेक्स्ट टैक्सेबल अमाउंट होती है ये जो 84,027 ये जो सैलरी लास्ट पूरी बनती है।
तो देखिए ये सारा माइनस प्लस सारा हो के मेरी 12 शिफ्ट के पैसे बनते हैं 86,754 बनता है। तो गाइज आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मेरी सैलरी मंथली कितनी है, ये सिर्फ 12 शिफ्ट के हैं। और मैं बता दूं कि कोई भी अपनी सैलरी खुल के नहीं बताता, लेकिन मैं आप लोगों को सब कुछ खुल के बताता हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। जैसे कि अब आप बड़ी कंपनी में किसी में जॉब करते हैं ना, तो उसमें पूरा सिस्टमेटिकली होता है, मतलब कि जो भी आपकी सैलरी वगैरह होती है आपको उसमें सिस्टम में शो करती है। सैलरी स्लिप अलग से लेने की या अलग से नहीं मिलती। जैसे कि मैं इंडिया में भी ऐसा ही है कि अब अगर बड़ी कंपनी में जॉब करते, जैसे मैं बैंक में जॉब करता था, तो जो भी सैलरी स्लिप होती थी वो पूरा सिस्टम में ही शो करती थी, सारी डिटेल उसमें होती थी। तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है। और वही बड़ी कंपनी में जो सैलरी मिलती है ना, तो उसको एक टीम जो सैलरी बनाते हैं वो एक पूरी मतलब कि एम्प्लॉय होते हैं जो, तो उनका सिर्फ काम ही यही होता है। तो उसमें मतलब कि मिस्टेक होनी बहुत कम चांसेस होते हैं, या फिर ना के बराबर होते, मिस्टेक होती ही नहीं है। और जब आप छोटी कंपनी में जॉब करते हैं तो वही एम्प्लॉय कंपनी का काम करता है, वही आपकी सैलरी बनाता है, या जैसे कि जो टाइमिंग कार्ड वगैरह होता है ना, कि कोई कोई कार्ड होते हैं जो टच करने से आपका टाइम वहाँ पे काउंट हो जाता है, तो जो आपका कार्ड होता है ना, तो उसी से आपकी सैलरी बनती है। तो वही लोग बनाते हैं जो ऑफिस में जॉब करते हैं। ऐसी पूजा वूजा करते हैं कोई लोग, मतलब कि जूते वूते नहीं उतारते, तो मुझे ये मत बोलना कि जूते नहीं उतारा, ये टेम्पल है। और कभी कभी लोग आते होंगे, जैसे कि कोई डे होता है छुट्टी उट्टी वाले टाइम में, तभी लोग आते हैं यहाँ पे ज़्यादातर। हालांकि बहुत रियर चांस होता है यार, बहुत कम ऐसे होता है। ये मुझे फर्स्ट टाइम, अभी मैं 2-3 साल होने वाला है यहाँ पे, तो कभी ऐसा नहीं हुआ, या हुआ होगा या पता नहीं, वैसे नहीं हुआ होगा तभी नहीं बताया, नहीं तो यहाँ पे अगर ऐसे सैलरी के बात आती है कहीं पे, जो बताया ना लेबर, यहाँ पे लेबर रूल्स जो है बहुत ज़्यादा टफ है, तो अगर कभी ऐसी बात होती है तो आपको सैलरी दी जाती है, आपको एक एक मिनट का पैसा पे होता है यहाँ पे कभी भी, मतलब कि ये नहीं कि चलो एक मिनट है तो क्या देना, बट नहीं, आपका एक मिनट का भी पैसे यहाँ पे होते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में, अगर आपको ऐसा डाउट है तो आप चेक भी करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो यार मैं जापान में, मुझे 3 साल होने वाला है और 3 साल से मेरी सैलरी आ रही है, बट वो सैलरी आती थी पार्ट टाइम जॉब की। और जो फुल टाइम जॉब होती है, जो आप यहाँ पे करने आए हैं, परमानेंट जॉब लेने आए हैं, जब जॉब लगती है और वो जब फर्स्ट सैलरी आती है ना, जो खुशी होती है वो सिर्फ फील किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता, जुबान से उसे बयां नहीं किया जा सकता। तो मेरे साथ भी अभी ऐसा ही है, लेकिन पार्टी पुर्टी करने का तो मूड बनता है यार, कि अगर यार दोस्त होते तो शायद पार्टी वार्टी करता, बट यहाँ पे कोई है नहीं है, तो देखते हैं क्या होगा। और अभी तो फिलहाल मेरी 1 वीक यहाँ पे छुट्टी चल रही है, तो जाने का टाइम तो है, अभी वहाँ पे पुरानी वाली जगह में जा सकता हूँ, बट नहीं जाना यार, यहीं पे रहना है, यहीं पे देखना है। तो ठीक है यार, इस वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, जय हिंद।